क्वेश्चन गिवन इज इफ टैन इनवर्स वाई माइनस ऑफ टैन इनवर्स फोर टैन इनवर्स एक्स इज देन फाइंड द एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. तो हमें गिवन है कि टैन इनवर्स वाई इक्वल्स टू फोर टैन इनवर्स एक्स. तो इसको हम लिख सकते हैं कि टैन इनवर्स वाई माइनस टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थ्री टैन इनवर्स एक्स. इसमें टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा है तो हमें मिलेगा टैन इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू थ्री टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा टैन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर. अब अगर हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लेके सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा कि वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा वाई माइनस एक्स इंटू वन माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू वन प्लस एक्स वाई. तो ये हमें मिलेगा वाई माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री एक्स क्यूब इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स टू द पावर फोर वाई. वाई की सारी टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और एक्स की सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएं तो हमें मिलेगा कि वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स टू द पावर फोर वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब. दैट इज वाई कॉमन ले ले तो वाई इंटू वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स टू द पावर फोर इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब. दैट वुड गिव अस वाई इक्वल्स टू फोर एक्स कॉमन ले ले तो वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स. दिस इज आवर आंसर.